बाल लंबे हों, घने हों और जड़ से मजबूत हों, यह हर लड़की की चाहत होती है, क्योंकि लंबे काले बाल आपकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। इसलिए आपके बालों को काला, घना और सिल्की और जड़ से मजबूत करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिसे आप बेझिझक होकर यूज़ कर सकते हैं। लड़के हों या लड़कियाँ, इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये नुस्खा बालों को मजबूत भी करता है, घना करेगा, लंबा और काला भी बनाएगा, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा और बहुत ही जल्दी आपके बालों को दुगना कर देगा। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके बाल बढ़ते ही नहीं हैं, तब भी नुस्खा उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है, आप इसी तरीके से आप घर पर रेडी कर सकते हैं। बस शैम्पू करने से पहले आपको इस रेमेडी को लगाना होगा और यकीन मानिए आपके बाल इतने घने और लंबे हो जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा, और जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो भी कंट्रोल हो जाएगी, रूखे सूखे बेजान बालों में जान आ जाएगी। जब मैंने इस रेमेडी के बारे में बहुत ही ज़्यादा सर्च किया तो मैंने पता किया कि ये रेमेडी बहुत ही अच्छी है, और सच में फ्रेंड्स जब मैंने इसको ट्राई किया तो इसके मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस रेमेडी के बारे में बताती हूँ आपको किस तरीके से इसको रेडी करना है। दोस्तों ये रेमेडी इतनी अच्छी है कि लाइक करना तो बनता ही है, और वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में तो आप इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 से 1.5 गिलास पानी। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फिल्टर पानी यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स आपने ऐसा कई बार देखा भी होगा कि हम जब भी जगह चेंज करते हैं तो हमें वहाँ का पानी सूट नहीं करता है, और बहुत सी जगहों पर तो पानी ऐसा होता है, खारा होता है वहाँ का, जो कि हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, और बाल गिर जाते हैं, झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, बाल रूखे सूखे बेजान हो जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर फिल्टर पानी यूज़ किया है। अब इसके बाद में आपको लेना है तेज़पत्ता यानी कि बे लीव्स। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि तेज़पत्ता हमारे बालों के लिए क्या काम का होगा। तेज़पत्ता हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। आप एक बार इसके बारे में गूगल पर सर्च करके देखना। तेज़पत्ते में बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बालों को सही पोषण देते हैं, हमारे बालों के सही ग्रोथ को बढ़ाते हैं, कोई भी बालों में इन्फेक्शन होता है उसको दूर करता है। ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। आपको यहाँ पर थोड़े से तेज़पत्ते लेने हैं, इनको इस तरीके से थोड़ा सा क्रश करके इसमें डाल लेना है। अब इसके बाद में आपको दूसरी चीज़ इसमें ऐड करनी है, वो है फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी का दाना। मेथी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये बालों को जड़ से काला, लंबा और घना बनाती है। आपको यहाँ पर 1 चम्मच मेथी लेनी है। अब इसके बाद में आपको लेनी है कलौंजी। कलौंजी हमारे बालों के लिए एक वरदान की तरह है, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है, ये दोबारा बाल उगाने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। जो बाल झड़ चुके हैं उनको उगाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, बालों का झड़ना बिल्कुल रोक देती है। यहाँ पर आपको 1 चम्मच कलौंजी लेनी है। इसके बाद में इसको अच्छे से बॉयल कर लेना है। इसको तब तक बॉयल करना है जब तक ये पानी आधा ना रह जाए, मेथी दाना अच्छे से पक ना जाए। इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही पकाना है ताकि इन सभी की गुडनेस इस पानी में अच्छे से आ जाए। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद रेमेडी आज मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी खुद की अजमाई हुई रेमेडी है। जितनी भी चीज़ें इसमें मैंने यूज़ की हैं वो सारी की सारी नेचुरल हैं, आपको बड़ी आसानी से घर पर ही मिल जाएंगी, और सभी चीज़ें बालों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, बालों में होने वाले इन्फेक्शन को दूर करती हैं, और जो बाल झड़ चुके हैं नए बाल उगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। किसी भी चीज़ का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे बेझिझक होकर चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो इसे यूज़ कर सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स पानी का कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है, बहुत ही अच्छी हमारी रेमेडी बनकर तैयार होगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स ये पानी जलकर आधा हो चुका है। अब आपको गैस को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए इसी तरीके से ढककर छोड़ देना है। ये देखिए फ्रेंड्स ठंडा होने के बाद में कितना अच्छा पानी बनकर हमारा रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं मेथी भी फूल चुकी है, अच्छे से मेथी और कलौंजी पक चुकी है, इन तीनों की गुडनेस पानी में अच्छे से आ चुकी है। अब हमें इसे किसी बाउल में छान लेना है।
एक और चीज़ खास इसमें हम ऐड करेंगे, वो है कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। एक चम्मच मैं यहाँ पर कैस्टर ऑयल ऐड करूँगी, ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब इस ऑयल को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी रेमेडी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे अप्लाई करना है। इसको अपने बालों पर किसी कॉटन की हेल्प से लगा लेना है। अपने बालों की लेंथ पर अच्छे से लगाइए, बालों की जड़ों पर अच्छे से लगाइए। इसे अपने बालों पर कॉटन की हेल्प से लगा लेना है। इसको अपने बालों की लेंथ पर और जड़ों पर अच्छे से लगाइए। धीरे धीरे मसाज करते हुए आपको अपने बालों पर अच्छे से लगा लेना है। जब ये आपके बालों पर कंप्लीट तरीके से लग जाए तो इसको 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही लगा कर छोड़ देना है। और 1 या 2 घंटे के बाद में आपको अपने बालों को नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। बहुत ही बढ़िया रेमेडी है जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यह आपके बालों का झड़ना बिल्कुल बंद कर देगी, बालों की ग्रोथ को डबल करेगी और देखते ही देखते आपके बाल काले, घने और लंबे होने लगेंगे, बालों में साइन भी आएगी। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी आज मैंने आपको बताई है। इसके अच्छे रिजल्ट पाने के लिए इसे हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इस रेमेडी का फ़ायदा उठा सकें। अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही नेचुरल और घरेलू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।